छड़े समाज को होली मनाना महाअभिशाप है, ये हमारे लिए एक शहादत दिवस है। ये क्या है भाई, यहाँ होली एक तो पिछड़े समाज को मनाना नहीं चाहिए, ब्राह्मण बड़ी पवित्रता से इसको मनाते हैं, पिछड़े समाज के लोग उदंडपन करते हैं। दिमाग जिनका एकदम बिल्कुल बैठा दिया गया है, जिनको सोचने की एक पैसे की क्षमता नहीं है, वो जाकर के मणिकर्णिका घाट पर होली खेल रहे हैं। आज हमारे चैनल पर बिरहा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सर आए हुए हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम। सर, आपको तो बहुत पहले हम बुलाना चाहते थे, लेकिन आप के पास समय ना होने कारण कई बार फोन से बात हुई कि सर आइए, लेकिन आपके पास टाइम नहीं था, तो बोले कि दरअसल रविदास पूजा चल रहा था जी, इसमें चार चार प्रदेशों का भ्रमण कर रहे थे हम। जी जी। तो रविदास पूजा तो 5 फरवरी को था, लेकिन हमारा तो पूरा फरवरी चला जी, इसलिए समय नहीं दे पाए। चाहते भी थे आना, लेकिन इतना थके थे, आज भी इतना थके हुए हैं कि आवाज वाज देख ही रहे हैं। फिलहाल आप लोग, बहुत सारे लोगों ने फोन किया और कहा सर कम से कम एक विचारधारा होली आ गई है, और भी तमाम समस्याएं हैं प्रदेश की जी, जी, जब आप बोलते हैं तो उसको गांव के जो थोड़ा भोले समाज के लोग हैं आपकी भाषा को समझ लेते हैं। जी, आप सर हमारे स्टूडियो में बहुत दिन के बाद आए, आपका बहुत बहुत आभार। सर, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं जी, जो कि प्रश्न शायद ये प्रश्न जो पिछड़े समाज के लोग, 85 मूल निवासी समाज के लोग हैं, काफी ज्यादा इस चीज में लेकर भ्रमित रहते हैं। तो बहुत लोगों ने कहा कि ये प्रश्न पूछिए सर से, तो मैं प्रश्न रख रहा हूँ सर आपके सामने। सर, वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर एक विशेष प्रकार की होली मनाई जाती है जी, जो कि चिताओं के राख से लोग होली खेलते हैं। सर, ये प्रथा बहुत पुरानी है और समाज इसको जानना चाहता है कि इसको मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। देखिए, पहली बात तो होली मनाना ही नहीं चाहिए पिछड़े समाज को। जी जी। पिछड़े समाज को होली मनाना महाअभिशाप है, ये हमारे लिए एक शहादत दिवस है। लेकिन चूंकि अब इन लोगों ने दिमाग में ऐसा ठेल दिया है, मणिकर्णिका घाट पर आप बता रहे हैं कि होली होती है चित्राग से उठती है जी जी, जहां लाशें जलती हैं उस राख से लोग खेलते हैं, लाशों के बीच में लोग होली खेलते हैं, और ये कहते हैं कि ये भगवान शिव का पसंद रहा। जी जी। वो भगवान शिव बने हैं, वो भगवान शिव नहीं है, भगवान शिव बनने के चक्कर में वो नहीं है, वो पूर्ण रूप से 100% मानसिक गुलाम लोग हैं, जिनके दिल और दिमाग पर, जिसके सोचन शक्ति पर ताला मार दिया गया है कि एकदम बेसी ब्राह्मणवाद से 1 अरब बेसी वो सोच नहीं सकते जी। वो अपने पूर्ण रूप से मूर्खपना की परिचय देते हैं। ये क्या है भाई, यहां होली एक तो पिछड़े समाज को मनाना नहीं चाहिए, ब्राह्मण बड़ी पवित्रता से इसको मनाते हैं, पिछड़े समाज के लोग उदंडपन करते हैं। होली तो मना लिए, होली तो पंडित जी ने बनाया जी, त्योहार तो सारे त्योहार ग्रंथों के द्वारा बने और ग्रंथ को पंडित जी लोगों ने लिखा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले उस चीज को समझो, सोचो, कितनी बुद्धिजीवी हो यार, कितनी समझदार हो कि चीते की राख से होली खेल रहे हो तुम लोग यार, माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी को भी बेवकूफ समझ रहे हो। माने ये नहीं चाहते हैं कि चीते की राख से होली खेलने से भगवान शिव प्रसन्न रहेंगे, इसे मोदी जी नहीं खेल सकते, योगी जी नहीं खेल सकते, अमित शाह जी नहीं खेल सकते, वो नहीं खेलेंगे क्योंकि वो चतुर लोग हैं। और जो लोग दिमाग जिनका एकदम बिल्कुल बैठा दिया गया है, जिनको सोचने की एक पैसे की क्षमता नहीं है, वो जाकर के मणिकर्णिका घाट पर होली खेल रहे हैं। दूसरी चीज की होली खेलने की त्योहार हमारे समाज को तो एकदम नहीं चाहिए, होली पिछड़े समाज के लिए महापाप है।
सर आपके कहने से बहुत लोग होली मनाना छोड़ भी दिए हैं। बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, ये पिछड़े समाज की बहन का शहादत दिवस है होली। होली और उस शहादत दिवस को ये सब त्योहार के रूप में ठोंक दिए हमारे सर पर कि इसको मनाते रहो। कहने का मतलब मैं इसके पहले भी कई बार बता चुका हूँ त्योहार के बारे में, त्योहार का मतलब क्या होता है। जी जी। तेव माने तुम, हार माने पराजय। जहां हम लोगों की पराजय हुई उसी पर एक त्योहार ठोक करके हमारे दिमाग में डाल दिए। जैसे दिवाली है जी, दिवाली त्योहार हम लोगों का है, ये बुद्ध से शुरू हुआ दिवाली मनाना। बुद्ध जी जब ज्ञान प्राप्त करके लौटे जी तो उनके पिताजी ने शुरू कराया था, खुशी मनवाया था और उसको ला करके इधर ये सब लक्ष्मी को रख करके ये कह दिया कि जब राम अयोध्या आए लंका विजय प्राप्त करके तब दिवाली मनाई जा रही है। हर चीज हम लोगों का ही है लेकिन उसको चुरा करके लोग अपना बना लिए और अपना बना करके अब जैसे होली हम लोगों का नहीं है जी, होली हमारा त्योहार नहीं है, होली मातम का त्योहार हमारे लिए। लेकिन ये समझाए क्या, खूब दारू पियो, खूब उदंतपन करो, खूब बहन बेटियों को गाली फटांग दो, उल्टा सीधा गाना गाओ, सर ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे दिमाग पर उन लोगों ने ऐसा पर्दा डाल दिया कि होली के इतिहास को कहीं समाज समझ ना पाए। सर आखिरकार अपने समाज को, पिछड़े समाज को हम लोग होली कैसे मनाने का? होली मनाना ही नहीं चाहिए, कैसे मनाने का तो सवाल है, छोड़िए। फिर सर होली के दिन क्या करें? होली के दिन साधारण रूप से अपने घर में रहिए, मातम मनाइए, पढ़िए लिखिए, होली पर अध्ययन करिए। होली के दिन डीजे बजा करके बेकूफना का परिचय मत दीजिए। जी हाँ, शांति से बढ़िया से अपने परिवार में रह करके इन विषयों पर चर्चा करिए, अपने महापुरुषों की विषयों पर चर्चा करिए, ये करिए। सर इस डिबेट से कहीं लोगों को बहुत ज्यादा ज्यादा समझ में आएगा कि होली नहीं मनाना चाहिए, होली के दिन अपने घर में बैठकर एक मातम के रूप में मनाना चाहिए। मातम के रूप में अपने महापुरुषों की विचारधारा पर स्मरण करना चाहिए और होली पूर्ण रूप से, मैंने पिछले साल एक डिबेट छोड़ा था, होली पर मैं गीत भी गाया हूँ जी, तो मैं तो बार बार कहता हूँ अपने श्रोताओं से कि जो नहीं जानते हैं गीत मेरी निकाल लीजिए, होली पर क्या गाया हूँ, होली पर डिबेट में क्या कहा हूँ, उस चीज को सुनिए और उसको जानने और मानने का प्रयास करिए। जी जी सर, आप हमारे चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।